स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सावन के पहले सोमवार को निकली महाकाल की सवारी में भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना है कि डीजे वाले के कारण यह स्थिति बनी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया। पुलिस ने भगवान महाकाल की सवारी के रास्ते में भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग की थी। हरसिद्धि की पाल पर कहारवाड़ी की ओर से शिप्रा नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेड लगाए गए थे। शाम करीब 6 बजे पालकी, भजन मंडली और डीजे को रास्ता देने के लिए बैरिकेड खोले गए। जैसे ही बैरिकेड खुले, भीड़ नदी की ओर भागने लगी। लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। इसमें महिला पुरुष समेत कई पंडे पुजारी भी दब गए। भगदड़ की स्थिति बनते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और जमीन पर गिरे लोगों को उठाकर बाहर निकाला। हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद रास्ते पर एक बार फिर बैरिकेड्स लगा दिए गए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा, घटना में डीजे वाले की गलती सामने आई है। वह अनाधिकृत रूप से सवारी के बीच घुसा था, इस कारण ऐसी स्थिति बनी। डीजे को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। आगे जिन जगह पर भीड़ बढ़ने की आशंका है, वहां सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।